हेलो, वेलकम एंड नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सक्सेस में। और आज के इस वीडियो में जो आपको थंबनेल में दिख ही रहा है, हम लोग इस सारे टॉपिक पे बात करेंगे। और अभी अभी बहुत अच्छी खुशखबरी आ गई है कि ये जो KVS की वैकेंसी है 2022 वाली, काफ़ी दिन से अवेटेड थी, उसके बारे में बात करेंगे। लगभग 10,000 पदों पर इसकी वैकेंसी रिलीज़ हो गई है। और ये फेक है या ओरिजिनल है, ये हम लोग डिटेल में अभी बात कर लेंगे। LT ग्रेड के नोटिफिकेशन में हम लोग बात करेंगे, और कितने पद इसमें बढ़ गए हैं या जो भी आप न्यूज़ में देख रहे हैं उसमें क्या है, GIC प्रवक्ता की नोटिफिकेशन है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए आप लोग, ताकि इससे रिलेटेड जो भी डाउट अगर आपका रहेगा तो या तो इस पर क्लियर हो जाएगा, या तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिए। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा, मेरे पास जानकारी होगी, तो आपको ज़रूर इसमें साझा करूंगा आपसे। और दूसरी बात यह है कि इस चैनल को अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर किया करिए। आपका जितना भी सब्सक्रिप्शन रहता है, लाइक रहता है, या कमेंट में आप जो भी आपको डाउट रहता है, तो ये मेरे लिए मोटिवेशन रहता है कि आप भी सीरियसली, उतने ही सीरियसली इस न्यूज़ को फॉलो करते हैं जितना सीरियसली मैं आपके लिए बनाता हूँ। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और अगर टेलीग्राम से जुड़ना चाहें तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर जितने भी नोटिस या नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट आते हैं वहाँ पर शेयर हो जाते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। और किसी भी कारण से अगर आपका डिस्क्रिप्शन वाला लिंक काम नहीं कर रहा, एक्टिव नहीं है, आप वहीं टेक्निकल इश्यूज़ नहीं ज्वाइन कर पाए, तो आप लोग प्लीज़ ओनली सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम पे जाके आप सर्च कराइए, तो वहाँ से आप लोग डायरेक्टली पहुँच सकते हैं। और इसमें करंट अफेयर्स टू डे टू डे अपडेट होगा ही, इससे आपको फ़ायदा होगा। आप चाहे KVS तैयारी कर रहे हो, LT कर रहे हो, तो आपको करंट वैसे भी तैयार करना ही है, सब कुछ फ्री है। प्लस इसके अलावा नोटिस एडवर्टीजमेंट जो भी वैकेंसी का आता है वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं KVE का जो नोटिफिकेशन है, ये 2022 वाला अभी अभी नोटिस आई है, और वो 10,000 से ऊपर जो पद हैं उस पर नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है। और बहुत से लोग बोल रहे हैं इसको ये फेक है, क्योंकि इसका जो एडवर्टीजमेंट है इसकी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल सच है। नोटिफिकेशन, इसके एडवर्टाइजमेंट जो भी है, इसकी ओरिजिनल वेबसाइट पे इसलिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि अभी एम्प्लॉयमेंट में जो नोटिस है वो आया है, इसमें एडवर्टाइजमेंट अभी वेबसाइट पे अपलोड नहीं हुआ है। वेबसाइट पे आ जाएगा या आज शाम तक आ जाएगा, तो आप टेलीग्राम से डायरेक्टली जाके इसको डाउनलोड कर लीजिए, या वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहाँ पर भी हो जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप PGT की तैयारी कर रहे हैं, या सॉरी, ये आपका जो प्राइमरी वाली होती है उसकी तैयारी कर रहे हैं, PGT TGT की वैकेंसी है जो, तो उसमें डिटेल मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ। लगभग 6,500 के आसपास, 6,400 समथिंग पद हैं उसमें, जो प्राइमरी वाली जो वैकेंसी होती है उसमें पद हैं सारे। PGT में लगभग 1,400 के आसपास पद हैं, और TGT में लगभग इतना ही, तो टोटल मिला के 10,000 से ज़्यादा पद हैं और भी चीज़ों को मिला के। और दूसरा यह है कि इसमें BEd वालों के लिए भी एक नोटिस मैंने उसमें दिया हुआ था कि वो कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, वो लोग एलिजिबल हैं, बट वो कंडीशन अप्लाइड करके दिया हुआ है। तो ये आपकी बहुत बड़ी खुशखबरी है, ये वैकेंसी आई है, बिल्कुल फेक नहीं है। और आप लोग अगर तैयारी टीचिंग की कर रहे हैं तो आप लोग ज़रूर इसमें जुड़ जाइए, और तैयारी में बिल्कुल कर दिए, क्योंकि आपको पता है जो KVE का जो वैकेंसी रहती है 6 महीने के अंदर पूरी कंप्लीट हो जाती है। इंटरव्यू मिला के आपको ज्वाइनिंग लेटर 6 महीने में मिल जाता है, तो इससे जल्दी कोई भी वैकेंसी नहीं होती। अगर आप टीचिंग पैशन है, नौकरी चाहते हैं, कम समय में KVS नौकरी दे देता है। हालांकि 2018 के बाद पहली बार वैकेंसी आई है, ये अच्छा खासा समय हो गया है। तो आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल जुट जाइए इस पर। और जो भी आपको अगर लगता है गाइडेंस, अब और भी यूट्यूब चैनल है जो आपको गाइडेंस दे देंगे, हालांकि मैं इससे रिलेटेड गाइडेंस वाला नहीं बताता हूँ, और इससे आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। अब आपको 2023 में नौकरी लेने से कोई नहीं रोक सकता, आपका KVE भी आपके पास अब ऑप्शन में आ गई है। अच्छा, दूसरा दोस्तों एक चीज़ और भी है कि मैं एक सोच रहा था कि आप लोग बताइए कैसा है कि कल से जो भी स्टूडेंट्स रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहती है, कि मॉर्निंग में मैं न्यूज़पेपर की जितनी भी एडवर्टीजमेंट नोटिस या जितना भी रहता है, तो एक वीडियो डेली बेसिस पे जितनी भी काम की है, फालतू न्यूज़ नहीं, जितनी भी काम की न्यूज़ है अगर डेली बेसिस पे होगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो सुबह अपलोड कर दिया करूँ, वही 6 से 8 के बीच में या 8 बजे तक। तो अगर आपके वो काम की रहे तो आप लोग प्लीज़ उसको भी देखिए ज़रूर। और दूसरा ये है कि ये एक नया सेगमेंट होगा, और वो उसमें मेरी अपनी राय नहीं होगी, जो भी न्यूज़ पब्लिश्ड होती है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में या कहीं भी, तो वो सारी न्यूज़ उसमें रहेगी। तो आप लोग उसको देखिए, अगर आपके काम का लगता है तो आप लोग उसको भी लाइक करिए, जिस तरह से आप ये सारे वीडियोज़ लाइक करते हैं, और मेरी ज़िम्मेदारी रहती है कि सभी जानकारी आपको टाइमली दे दी जाए। तो अच्छा, अब अगली न्यूज़ पर चलते हैं हम लोग, कि LT ग्रेड का जो नोटिफिकेशन है,
देखिए, सबसे बड़ी बात ये थी कि जो लास्ट मैंने वीडियो बनाया था उसमें गवर्नमेंट ने जो आश्वासन दिया था कि आयोग के पास हम अपना जो अप्रूवल लेटर है अर्हता विवाद को लेकर जो रिपोर्ट थी उसमें सहमति दर्ज करा के वो भेज देंगे आयोग के पास, तो अभी तक उन्होंने भेजा नहीं है। और जो लास्ट था शिक्षा मंत्री का जो बयान था उनके हिसाब से और नवंबर लास्ट वीक तक उनको भेजना था, तो अभी तक नहीं भेजा है। और दूसरा ये है कि जो कोर्ट का जो ऑर्डर था रिजर्व था, अभी तक उन्होंने वो भी रिजर्व ही रखा है, अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है। तो अच्छा, निराश होने वाली बात नहीं है। आज मैं पेपर में देख रहा था, तो न्यूज़पेपर में सुबह सुबह, तो उसमें यह था कि 10,000 प्लस वैकेंसी एलटी में आ गई है। तो मुझे देखिए, 10,000 पे आ जाए मेरे लिए बहुत अच्छा है, सभी के लिए अच्छा है अगर 10,000 पदों पे है। लेकिन बात यह है कि न्यूज़पेपर की जितनी भी न्यूज़ रहती है मुझे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रहता नहीं है, तो अगर है तो वेल एंड गुड, लेकिन 10,000 होने की संभावना मुझे बहुत कम लग रही है। 7,000 वैकेंसी थी, अगर बढ़ी भी होगी तो 8 से 9,000 रही होगी, और अगर 10 हो जा रही है तो सबके लिए बहुत ही अच्छा है, सरप्राइजिंग है। तो आप लोग लग के मेहनत कर लीजिए, लेकिन हाँ बढ़ी ज़रूर है निश्चित तौर पर। अब यह है कि कितनी एग्जैक्ट डाटा है न्यूज़पेपर में, तो एक अप्रॉक्स लगा के 10,000 अगर 12 भी लिख देते तो भी कोई डाउट नहीं था, लेकिन आप ये मान के चलिए लगभग 8 से 9,000 वैकेंसी तो पक्का हो गई है, पहले 7 थी। और इसके बाद में आप इसको क्या कहते हैं, ये पदों की संख्या जो भी है, अब हाँ अब नोटिफिकेशन कब आएगा? नोटिफिकेशन के लिए ये है कि देखिए, अब जो कोर्ट का है या जो भी है इस वही चीज़ें हैं, मे भी मुझे लगता है कि जो भी कोर्ट का ऑर्डर रिलीज़ हो जाए या गवर्नमेंट की तरफ से भाई रिलीज़ हो जाएगा, उसके बाद भी गवर्नमेंट को तो अपना अप्रूवल देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कोर्ट बोल देगा तो वो अप्रूवल माना जाएगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो उस केस में यह है कि अगर गवर्नमेंट पहले अप्रूवल दे रही है आयोग को कि मतलब जो अर्हता विवाद है यही फाइनल है, मतलब जो हल हो गया है इस पे नोटिफिकेशन निकाल दिया जाए तो ये भी ठीक है, लेकिन उस कंडीशन में भी कोर्ट के ऑर्डर जो रिजर्व है उसका वेट तब भी करना पड़ेगा। जो दोनों पैरेलल दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ऐसा नहीं सरकार कह देगी तो हो जाएगा या कोर्ट कह देगी तो हो जाएगा। अब अच्छी बात यह है कि हियरिंग अब बची है नहीं, तो जो ऑर्डर रिजर्व है तो वो रिजर्व किसी दिन भी पब्लिश हो जाएगा, और मेरे ख्याल से लास्ट जो डेट लगी थी वो 24 या 25 थी, तो अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, 4 ही दिन हुए, तो निराश होने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। ऑर्डर वर्किंग डेज चल रहे हैं, किसी वर्किंग डे में रिलीज या पब्लिश हो जाएगा, हो सकता है आज ही आ जाए। तो ये है, और दूसरा ये है कि अभी आज 29 तारीख है, 29 तारीख का मतलब ये है कि 2 से 3 दिनों में भी अगर अप्रूवल हो जाता है, क्योंकि जो सरकार का आश्वासन है सरकार भी चाह रही नोटिस निकालने के लिए, क्योंकि आयोग इससे रिलेटेड कुछ नहीं कर रहा है। और आयोग का सीधा सा कहना है कि भाई अगर हमारी तरफ से सरकार का एक ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो ही पब्लिक होगा, विज्ञापन की सारी तैयारी रेडी है, विज्ञापन को लेके कुछ नहीं करना है उनको। और बाकी जो प्री मेंस वाला विवाद है उस चक्कर में अभी आप लोग मत पड़िए, और मैंने और भी कोशिश किया पता करने का और अभी तक इससे रिलेटेड कुछ है नहीं। अगर इससे कुछ होगा तो मैं आपको और डिटेल में बता दूंगा, पर अभी आप लोग निश्चिंत हो कि जो आपका सिलेबस है, जो आपकी तैयारी है, उसी हिसाब से तैयारी करते रहिए। और बाकी इससे रिलेटेड यही अच्छी खबर यही है कि आपके पद जो हैं कम से कम 9,000 तो रहेंगे ही रहेंगे, तो इसकी आप तैयारी ज़ोर शोर से करिए। और GIC प्रवक्ता की जो न्यूज़ है, प्रवक्ता वाले में ये है कि इसमें कोई विवाद है नहीं, और होपफुली दिसंबर में ही आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसके विज्ञापन में अब कुछ भी रेड करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर LT का विज्ञापन थोड़ा बहुत लेट होगा तो प्रवक्ता वाला विज्ञापन आपका पहले आ जाएगा। और प्रवक्ता के लिए अगर आप एलिजिबल हैं, इसकी एलिजिबिलिटी ज़्यादा नहीं है, PG ही चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, आप साइंस हो, आर्ट्स हो, किसी भी सब्जेक्ट में हो या कॉमर्स हो, तो आपका PG होना चाहिए, इसमें BEd नहीं चाहिए। कई बार मैं बता भी चुका हूँ लेकिन कई साथियों को थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है शायद, तो कमेंट में उनका थोड़ा रहता है PG में BEd चाहिए नहीं चाहिए। तो GIC प्रवक्ता के जो एग्ज़ाम एलिजिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन है, और इसके अलावा उसमें BEd नहीं चाहिए है। तो और दूसरी बात यह है कि इस भर्ती में जो हालांकि थंबनेल में मैंने नहीं डाला है, तो PG ही चाहिए है और इसमें BEd लागू नहीं होगा इस बार, ये एकदम पक्की बात है। तो निश्चिंत होकर तैयारी करिए आप लोग जो भी स्तर पे तैयारी कर रहे हैं, बाकी एकदम करते रहिए। और 2023 वाला है ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी हाथ से मत जाने दीजिए। अब आपके पास बहुत सारी वैकेंसी KVS की हो गई है, GIC प्रवक्ता की हो गई है, LT का नोटिफिकेशन, ये दोनों गवर्नमेंट और कोर्ट की तरफ से क्लियर जो संभावना है बहुत ज़्यादा डिले होने की संभावना नहीं दिख रही है, क्योंकि जो आयोग में जो भी मेंबर्स हैं, जो मेरी किसी से बात हो रही थी वहाँ पे, तो उनका यही कहना था कि आयोग में इसको लेके कोई भी लंबित कार्य नहीं पड़ा हुआ है, कि इससे रिलेटेड अगर गवर्नमेंट का अप्रूवल आ जाएगा तो आयोग में विज्ञापन की तैयारियाँ लगभग पूरी हैं।
तो अप्रूवल का ही वेट है, अप्रूवल ए मैटर ऑफ टाइम है, ये कभी भी आ जाएगा, एक हफ्ता भी लग जाएगा तो भी कोई समस्या नहीं है, पर ये नोटिफिकेशन जो एलटी का आना है ये ऑन द वे ही है, कभी भी आपको, मतलब कभी का मतलब दिसंबर लास्ट तक आपको देखने को मिल सकता है, और इसके लिए आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, और टीजीटी पीजीटी आप एग्ज़ाम दे ही रहे होंगे, बिल्कुल लगे रहिए, और इसे अब कोई आपको ऐसा लगता है डाउट है तो आप लोग कमेंट ज़रूर पूछिए प्लीज़, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए, आपको लगता है कोई काम की जानकारी है तो आप लोग प्लीज़ प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और टेलीग्राम से जुड़ के वी एस का नोटिफिकेशन मैं शाम तक अपलोड कर दूंगा, ठीक है, और इसी तरह जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।